हेलो स्टूडेंट्स, तो आज जहाँ से लाइट 06 जो टॉपिक था उससे आगे अपन स्टार्ट करते हैं। तो आगे जो अपना टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अपन ने डिस्कस कर लिया, अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर आज अपन पढ़ेंगे। तो आप सबको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो किस तरह का होता है। यू ऑल नो दैट कि ये जो है इस तरह का कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो इस साइड रखा जाएगा, इस साइड ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस दिस साइड, क्योंकि इंसिडेंट रेज हमेशा रिफ्लेक्शन वाली साइड से ही आएंगी और यही रिफ्लेक्टेड साइड है इसकी। अब यहां पर होगा क्या कि सबसे अलग अलग केस हो गए, तो सबसे पहले अपन देखेंगे तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा, इन्फिनिटी पे रखते हैं अपन ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो क्या होगा। अब इसमें एक बड़ी खास बात है कि जैसे अपना ये कॉन्वेक्स मिरर होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर आपको पता पोल ये वाला पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो यहां कहीं रहा होगा और उसका हाफ जो है फोकस वो यहां कहीं है। तो कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्शन वाली साइड ही, जिधर से इंसिडेंट रेज आ रही थी उसी साइड ही फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर था। लेकिन यहां पर क्या है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर कि वो पॉलिश साइड जो है उधर है फोकस और पोल। तो इसका मतलब क्या है कि आप इधर तो ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकते, समझ रहे, ऑब्जेक्ट इधर ही रख सकते हैं। तो इधर ऑब्जेक्ट रखे जाएंगे तो इधर तो कोई डेनोवेशन है ही नहीं फोकस पोल जैसे उसके अंदर किया था। तो यहां सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो ये अपना मिरर है और इस तरह से दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। अब मान लीजिए रेज आई, रेज यू पैरेलल आएंगी। अब आपको पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाया कि ये जो मिरर है आपका ये डाइवर्जिंग मिरर है। कौन सा मिरर है, डाइवर्जिंग, तो रेज यू चली जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, ठीक है, मतलब डाइवर्ज हो जाएंगी। तो पैरेलल रेज आई प्रिंसिपल एक्सिस की और डाइवर्ज होगी। ये पोल है और ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो डाइवर्ज हो गई रेस, तो एक पॉइंट पर आकर मिलनी नहीं है, इधर तो कहीं भी नहीं मिलनी है रेस, तो रेस को पीछे एक्सटेंड किया जाएगा। और जब पीछे एक्सटेंड करेंगे तो पीछे एक्सटेंड करने पर जहां वो मिलती हैं उसे अपन क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज फोकस, उसे फोकस कहा जाता है, समझ रहे हो, ये बात ध्यान रखो। तो अब जो इमेज बनी है, इमेज कहां पर बनी है, अगर लिखूंगा मैं कि इमेज इज फॉर्म्ड एट, कहां बनी है इमेज, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, पहली बात। दूसरी बात, जो इमेज बनी है वो रियल है या वर्चुअल है। मैंने बताया था आपको कि पॉलिश्ड साइड के इधर बने तो हमेशा इमेज वर्चुअल होती है, और इधर बने रिफ्लेक्टेड साइड के, है ना, स्मूथ साइड के, तो हमेशा रियल होती है। तो यहां पे इमेज कैसी है बेटा, इमेज इज वर्चुअल, इमेज वर्चुअल है, और वर्चुअल जब जब होगी इमेज इरेक्ट भी होगी, ये बात भी आपको पता है। सो दिस इज द अनदर थिंग। और इमेज कैसी है, हाईली डिमिनिश, बहुत छोटी है, इमेज इज हाईली डिमिनिश, बहुत छोटी इमेज, तो इस बात का ध्यान आपको रखना है। सो दिस इज द थिंग, ये चीजें हैं। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखा है अपन ने, इन्फिनिटी पर रखा है, तो ऐसा हो रहा है, ठीक है बेटा। अब देखो, अब मान लेते हैं अपन ऑब्जेक्ट जो है, अब दूसरा जो केस होता है, इसमें दो ही केस बनते हैं ना क्लास 10th के हिसाब से, दो ही केस बनेंगे। दूसरा जो केस है वो ये है कि जैसे ये अपना कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, और इस तरह से ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है बेटा, और ये अपना पोल है और ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस तरह से अपन लिख सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट कहां भी रखा जाए, मान लो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख सकते हैं अपन, है ना, कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो यहां रखा गया ऑब्जेक्ट को, दिस इज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका ए बी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जो रे है ना वो पहली रे कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये चलेगी पैरेलल चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन आफ्टर रिफ्लेक्शन, रे जो है वो डाइवर्ज हो जाएगी, है ना, इस तरह से। और वो जो डाइवर्जिंग रे है
वो एक्सटेंड करने पे कहां से पास होनी चाहिए, फोकस से पास होनी चाहिए, अपन ने रूल्स के अंदर पढ़ा था। एक रे तो ये होगी, लेकिन एक रे से तो इमेज बनती नहीं, अपने को दो रेस चाहिए मिनिमम। अब दूसरी रे जो पोल पर है, पोल पर जाएगी, दूसरी रे पोल पर जाएगी, इस तरह से पोल पर रे जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद वो पोल के नीचे से पास हो जाएगी। तो मिरर के सामने अगर आप देखो तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेस के मिलने की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि दोनों रेस कहीं भी मिल जाएंगे, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो जब भी सामने की तरफ डाइवर्जिंग रेज हो तो अपन क्या करें, अपन क्या करें, अपन इनको पीछे एक्सटेंड करते हैं और पीछे जहां मिल जाएंगी वहां इमेज बन जाएगी। तो ये तो ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुकी है, अब इसको एक्सटेंड करते हैं पीछे, तो एक्सटेंड करेंगे तो ये ऐसे है, अब ये यहां पर मिल गई है, यहां पर मिल गई है, तो यहां आपकी क्या बनती है बेटा, इमेज बनती है ए डैश बी डैश, ये इमेज बनती है। अब ये जो इमेज जो बनी है, इमेज क्या है, व्हाट इज इमेज, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, सीधी सी बात है, समझ रहे, क्योंकि मिरर के जस्ट पीछे है। और इमेज बनी कहां है, वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। आप ये देखो, समझ रहे हो, पोल और फोकस के बीच में बनी, इधर जब भी बनेगी वर्चुअल इरेक्ट होगी, पोल और फोकस के बीच में। इमेज कैसी है, क्या बिल्कुल छोटी है, नहीं बिल्कुल छोटी नहीं है, इमेज थोड़ी बहुत छोटी है, तो मैं कह सकता हूं इमेज इज डिमिनिश्ड, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये बड़ा आसान था। अब इसमें आप देखो कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही केस होते हैं, ओनली टू केसेस आर देयर। ठीक है, तो दो ही केस हुए, एक केस का वहां इन्फिनिटी पे हुई तो फोकस पे बनी, और पोल और इन्फिनिटी के बीच में हुई तो कहां बनी आपकी, मतलब पोल और, तो पोल और फोकस के बीच में इमेज बनी। ध्यान रखना फोकस इसमें इस साइड होता है। तो अगर इसकी टेबुलर फॉर्म में इसको अरेंज करें जैसा अपन ने उसमें भी किया था, तो यहां पर सीरियल नंबर लिखता हूं तो मैं शायद दो सीरियल नंबर ही आएंगे। ठीक है, और यहां पर अगर मैं लिखता हूं पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, यहां पर पोजिशन ऑफ इमेज की बात करते हैं, और यहां पर बात करते हैं नेचर की, और यहां पर बात करते हैं साइज की, तो ये सारी चीजें अपन देखते हैं। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे रख दिया। तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहां बन रही है, सीधी सी बात है ना, एट फोकस। इमेज कैसी बन रही है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटी है, समझ रहे। और अगर मैं बात करूं इसकी, और दूसरा कहां है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इन्फिनिटी और पोल में कहीं भी रख रहे हो तो इमेज कहां बन रही है, बिटवीन पोल एंड फोकस, और इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल इरेक्ट, और इमेज कैसी बन रही है बेटा, डिमिनिश्ड, समझ रहे। तो ये बात आपने देखी है ना। अब अपन ने तीनों तरह के मिरर देख लिए, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तीनों देखे है ना, और तीनों की अपन ने टाइप्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन भी देखी कि तीनों किस किस तरह की इमेजेस बनाती हैं, क्या क्या बनता है, ये भी देखा अपन ने। अब अपन एक बार एक कंपेरेटिव स्टडी कर लेते तीनों की, कि व्हाट इज द कंपेरेटिव स्टडी बिटवीन देम, है ना। तो जैसे मैं आपको बताऊं, आपका कॉनकेव मिरर था, तो मुझे बताइए कि कॉनकेव मिरर ने, आप पढ़ा अपन सबने, तो कॉनकेव मिरर जो है वो किस किस तरह की इमेज बना पा रहा है ना, आप देखिए किस किस तरह की बना पा रहा है, फिर अपन एक लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे जो बहुत ही अच्छा कंक्लूजन निकलेगा। ठीक है, तो अपन कर रहे हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मिरर, है ना, ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मिरर, तीनों तरह के मिरर्स की कंपैरेटिव स्टडी करें ऑफ मिरर्स। ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने शुरू से सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स देखे। तो कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर जो है, आप सबको पता, यू ऑल नो दैट, है ना, किस तरह की इमेज बनाता है। शुरू से चलते हैं, बिल्कुल शुरू से चलते हैं। तो पहली बात तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड बनाता है ना। अब डिमिनिश्ड के अंदर हाईली डिमिनिश्ड भी आ जाती है बेटा ना, समझ लो आप मेरी बात समझना, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड भी बनाता है। कब बनाता है ये आपको पता है, इन्फिनिटी पर रखेंगे तो, ये ध्यान रखो, आप याद रखो कब कौन सी इमेज कहां बनती है, ये इमेज बनाता है। दूसरी वो, अगर आप उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हो तो रियल इन्वर्टेड सेम साइज इमेज भी बनाता है, ये भी अपन ने देखा, रियल इन्वर्टेड सेम साइज इमेज भी बनाता है। ठीक है ना, ये भी अपन ने देखा और बहुत अच्छे से देखा। ठीक है,
अब देखो सेम साइज जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अपन रखते हैं, फिर वो रियल इन्वर्टेड एनलार्ज इमेज भी बनाता है ना, बड़ी इमेज बनाता है। तो मेरे हिसाब से रियल इन्वर्टेड इमेज के तीन ही टाइप्स हो सकते हैं, मतलब छोटी हो, ऑब्जेक्ट के बराबर हो और एनलार्ज हो। तो सारी रियल इन्वर्टेड इमेजेस यही बनाता है कॉनकेव मिरर। और एक चीज और बनाता है, आपने देखा जब उसको अपन और ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड या यू कहें एनलार्ज कह दें, अपने एक ही वर्ड रखेंगे, एनलार्ज इमेज बनाता है। तो ये कॉनकेव मिरर की एक और बात हो गई। ठीक है बेटा, तो चार बातें हो गई, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश बनाता है, रियल इन्वर्टेड सेम साइज बनाता है, रियल इन्वर्टेड एनलार्ज बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज बनाता है। ये मेरे हिसाब से चार तरह की इमेजेस कॉनकेव मिरर बनाता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं बनाता। ठीक है, अब अपन बात करें कॉन्वेक्स मिरर की। अपन ने कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा, कॉन्वेक्स मिरर आपने देखा, आप सबने देखा, एक ही तरह की इमेज बनाता है। कौन सी? वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। उसमें डिमिनिश में सब आ जाता है बेटा ना, जैसे एनलार्ज में हाईली एनलार्ज वगैरह सब आ जाता है। बड़ी होना मतलब थोड़ी बड़ी होना, छोटी होना थोड़ी छोटी होना, दैट डजंट मेक एनी पॉइंट। तो वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। ठीक है, अब बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही एक ही तरह की इमेज बनाता है। ठीक बेटा, अब आप देखिए वर्चुअल इरेक्ट तीन तरह की बन सकती है। आपको लगेगा कि देखो तीनों नेचर ने कैसे तीनों मिरर आपस में बनाए ना, कैसे तीन ही मिरर बनाए, चार क्यों नहीं बनाए, क्योंकि तीन सारी इमेजेस बना रहे, और क्यों एक क्यों नहीं बनाया, क्योंकि एक होता तो बाकी इमेजेस नहीं बनती। जैसे वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज ये कॉनकेव मिरर नहीं बनाता, समझ रहे, और रियल इन्वर्टेड इमेज कॉन्वेक्स मिरर नहीं बनाता। तो अगर सिर्फ नेचर में कॉन्वेक्स होता तो ये नहीं होता, कॉनकेव होता तो ये नहीं होता, समझ रहे। अच्छा, अब एक मिरर, एक तरह की इमेज और मिसिंग हो रही है, आप देखेंगे यहां पर, है ना, दैट इज वर्चुअल इरेक्ट। और कौन सी इमेज है? सेम साइज, क्योंकि रियल इन्वर्टेड के तो तीनों टाइप्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो अब वो अपना आता प्लेन मिरर, आपको याद होगा प्लेन मिरर जो है वो सेम साइज की इमेज बनाता है, और वो कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल। तो प्लेन मिरर जो बनाता है वो वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज इमेज बनाता है। ठीक है, तो अब ये आपको समझ में आ गया। तो ये अपन ने कंपैरेटिव स्टडी कर ली बेटा, बहुत जरूरी है, अपने को पता होना चाहिए कि किस तरह किस किस में किस किस तरह की इमेजेस बन रही हैं, क्या हो रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी के बारे में अपन ने सारी इमेज फॉर्मेशन देखी, कॉनकेव कॉन्वेक्स प्लेन। तो ये पूरा अपने सामने आ गया कि कौन सा ही मिरर जो है वो कौन सी तरह की इमेज बनाता है। ठीक है, कोई भी इमेज नहीं बची है जो नेचर में नहीं बन पाएगी, सारी नेचर में जो जितनी तरह की इमेजेस बनती है वो इन तीनों मिरर्स के थ्रू बनाई जाती है। और तीनों देखो अलग अलग बनाता है, एक जो बनाता है वो दूसरा नहीं बनाता, और दूसरा जो बनाता है वो पहला नहीं बनाता, तीनों अलग अलग बनाते हैं इमेजेस। ठीक है बेटा, तो बहुत आसान था, इट वॉज वेरी इजी ना। अब आपको कुछ चीजें अपने को देखनी है ना। अब सबसे पहले क्या होता है, जैसे अब सबसे पहले अपने को जो पढ़ना होता है वो एक मिरर फॉर्मूले के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, फिर मैं साइन कन्वेंशन बताऊंगा। तो मिरर फॉर्मूला, पहले अपन समझते हैं कि मिरर फॉर्मूले के लिए साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या है? देखो कोई भी मिरर जो होता है, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर के लिए मिरर फॉर्मूला होता है ना, प्लेन मिरर के लिए नहीं होता है। क्योंकि बताऊंगा मैं आपको कि प्लेन मिरर फॉर्मूला का मेन जो एम है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस निकालने का है। मतलब जैसे इतनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ तो इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, तो वो सब निकालने का। तो प्लेन मिरर में तो अपने को पता ही है कि अगर 10 मीटर पे ऑब्जेक्ट रखा तो 10 मीटर पे ही इमेज बनेगी, वो अपने को पता है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए ही मिरर फॉर्मूला लगाया जाता है। तो प्लेन मिरर फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? तो आप डेफिनेशन देखेंगे तो यही मिलेगी बुक्स में कि इट इज रिलेशन बिटवीन, एक तरह का रिलेशन है ये, किसमें? बिटवीन वी यू एंड एफ, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन जो है वो मिरर फॉर्मूला है। ये आप सबको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वी के, वी स्टैंड्स फॉर इमेज डिस्टेंस, आपको पता होना चाहिए, आपके बाद ये याद रखना कि ये इमेज डिस्टेंस के लिए। ठीक है, और यू स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है बेटा, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए स्टैंड होता है। ठीक है, और एफ जो है वो आपका फोकल लेंथ के लिए स्टैंड। तीन ही महत्व के पॉइंट होते हैं किसी भी स्फेरिकल मीटर के अंदर, तो इसलिए इन तीनों के बारे में डिस्कशन किया गया। तो वी इमेज डिस्टेंस है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और एफ फोकल लेंथ है, और इन तीनों में जो रिलेशन है वो मिरर फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है बेटा,
अब मिरर फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है वो सारे बच्चे देखेंगे इधर, है ना, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, तो वो ऐसे होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/a, ये मिरर फॉर्मूला है। इट इज द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ठीक है बेटा, तो मिरर फॉर्मूला तो पढ़ लेते हैं अपन, है ना, इसको ध्यान रखना है, इस तरह से प्रूफ अपने क्लास टेंथ में है नहीं। दूसरी चीज इसके साथ जो पढ़नी होती है वो अपने को पढ़नी होती है मैग्नीफिकेशन। अब इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मैग्नीफिकेशन का, कि मैग्नीफिकेशन किसके न्यूमेरिकल जब अपन करेंगे तो बहुत मजा आने वाला आपको, है ना, ट्रिक बताऊंगा मैं उससे सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। मैग्नीफिकेशन है एम। अब मैग्नीफिकेशन की बात करें तो मैग्नीफिकेशन मतलब इट कंपेयर्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट टू द साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज को कंपेयर करता है। तो ऊपर लिखा जाता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट टू द सॉरी साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो कंपेयर करने का मतलब रेशियो ले लेना। ठीक है, तो उन दोनों की साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब क्लास टेंथ में जो मैग्निफिकेशन है वह लीनियर मैग्निफिकेशन। अब साइज में तो कुछ भी हो सकता है बेटा ना, एरिया भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें जो मैग्निफिकेशन है वह लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मतलब वी ओनली टॉक इन द टर्म्स ऑफ लेंथ, लेंथ के टर्म्स में बात करते हैं। तो एम जो होता है वो आपका हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। इट इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है दैट इज लीनियर मैग्निफिकेशन, वो लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाता है। तो बड़ा आसान है लीनियर मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो है। तो एम का जो फॉर्मूला है वो h2/h1 है ना, h2 मतलब हाइट ऑफ इमेज और h1 मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी अपन ने देखा कि कई बार ऑब्जेक्ट बड़ा होता है, कई बार इमेज छोटी होती है, कई बार इमेज बड़ी होती है ऑब्जेक्ट छोटा होता है, तो वो चीज होती है। ठीक है बेटा, और दूसरी बात एक फॉर्मूला और होता है जो आपको ध्यान रखना है ना, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार ये नहीं दिया हुआ होता है, वो फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ वी बाई यू, ये एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन। ये सारे फॉर्मूले की डेरिवेशन आर नॉट अवर पार्ट ऑफ अवर सिलेबस, सिलेबस का पार्ट नहीं है। दूसरा फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ वी बाई यू। ठीक है बेटा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये चीज है ना, ये मिरर फॉर्मूले में ये तीन चार बातें हैं जो ध्यान रखनी है। अब बेटा सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जो ये मिरर फॉर्मूला में वी यू एफ जो है ना, वी यू एफ जो भी है, ये साइंस के साथ पुट किए जाते हैं। मतलब वी मे बी पॉजिटिव, वी मे बी नेगेटिव, यू मे बी पॉजिटिव, यू मे बी नेगेटिव, एफ मे बी पॉजिटिव, एफ मे बी नेगेटिव, तो साइंस के साथ पुट किए जाते हैं। तो उसे अपन साइन कन्वेंशन कहते हैं। तो उनके लिए क्या कुछ रूल्स बनाए गए ना, और वो रूल्स अपने को फॉलो कर सकते हैं ना। हाँ, रूल्स जो है वो अपने को फॉलो करने होते हैं, और उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही वी कैन डू एनीथिंग, है ना, उन वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो अगला जो अपना टॉपिक है, टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक इज रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन। ठीक है बेटा, अब देखो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं। ठीक है ना, देखो समझना, रूल्स ऐसे लिखे जाते हैं कि सबसे पहला जो रूल है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सबसे पहला रूल जो है वो ये कि सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर होंगे। ठीक है, अब इसको समझना कैसे, जैसे कॉनकेव मिरर के लिए ज्यादा सुविधा रहती है अपने को, तो जैसे मान लीजिए आप, है ना, ये अपना कॉनकेव मिरर है और ये अपनी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो अगर मैं ऑब्जेक्ट यहां रखता हूं मान लो, तो ये मान लो पी है और ये ए है, तो अब आपको पूछे कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो आप एपी नहीं लिखेंगे, एपी गलत है। एपी का मतलब आपने डिस्टेंस ए से पी मेजर किए, नहीं, आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लिखेंगे, यू विल बी व्हाट, पी ए, यू जो होगा वो पी ए होगा, समझ रहे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे मान लो इमेज यहां बन गई हो, ठीक है, तो यहां बनती है तो पी ए बी, ये इस तरह से, ठीक है, ए डैश बी डैश, तो आप यहां पर वी जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, पी ए डैश लिखेंगे, ए डैश पी नहीं लिखेंगे, सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर होंगी। तीसरी बात, मान लो ऑब्जेक्ट इसमें इमेज यहां भी बनती है, तो ये अलग इमेज है, ए डबल डैश बी डबल, हाँ ये इमेज ऑब्जेक्ट यहां रखने पर बनती है, वो मानता हूं मैं, लेकिन ये भी एक केस है इमेज का, ऑब्जेक्ट के सारे केसेस तो सामने ही रहेंगे, तो इमेज का ये केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो पी ए डबल डैश होगा, ये पोल से मेजर होंगी सारी की सारी। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखनी है, पहला रूल।
दूसरा रूल क्या कहलाता है कि डिस्टेंसेस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ आई रे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे आर पॉजिटिव, वो सब पॉजिटिव होंगे एंड वाइस वर्सा, है ना बेटा। रूल याद करने से बेहतर आप समझ लो, समझना कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा मिरर के सामने रहेगा, इस साइड रहेगा, तो ये इंसिडेंट रे इस तरह से जाएगी, तो अब इस डायरेक्शन में मतलब इस डायरेक्शन में जो भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे वो पॉजिटिव है, और वाइस वर्सा का मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर करोगे वो नेगेटिव है। तो आप देखो कि आपका जो पी ए है, पी ए वो क्या आएगा, पी ए इस डायरेक्शन में है, पी ए अगर आप इसको एपी लिख दिए तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसीलिए मैंने पी से ए लिखा है, तो पी ए अपोजिट डायरेक्शन में इंसिडेंट रे के, तो पी ए जो लिखोगे आप वो नेगेटिव में लिखोगे, जो भी आएगा -10 -20 वो न्यूमेरिकल्स में आएगा, और पी ए डैश जो है वो भी इस डायरेक्शन में है तो वो भी नेगेटिव आएगा, और पी ए डबल डैश जो है वो इस डायरेक्शन में है तो वो क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। और अगर यहां पे आप फोकल लेंथ की बात करें तो वो पी एफ होगा, तो पी एफ भी क्या आएगा बेटा, नेगेटिव, है ना, समझ रहे हैं। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि ये ओरिजिनल रूल है, ये ओरिजिनल रूल है, बाकी कई बुक्स में या कई टीचर्स इस तरह ही बताते हैं कि इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंसेस मेजर होंगे वो आपके नेगेटिव होंगे और इस मिरर के पीछे जो भी होंगे वो पॉजिटिव होंगे, इस तरह से बताते हैं कि इधर वाले सारे पॉजिटिव होंगे, वो होंगे बिल्कुल होंगे वो भी सही है, और इधर जो होंगे वो भी नेगेटिव होंगे। लेकिन ये रूल ज्यादा अच्छे से याद करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे ट्वेल्थ में बहुत ऐसे सवाल आएंगे जिनमें इधर डिस्टेंसेस भी नेगेटिव आ जाती है कई बार, तो वो इस रूल के बेसिस पे आती है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से ये चीज ध्यान रहेगी तो सही रहेगा। बाकी आप याद रखने के लिए ये भी रख सकते हैं कि मिरर कोई भी मिरर हो, मैं आपको बता दूं कि जैसे ये मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो इसके इधर जो भी डिस्टेंसेस होंगे वो सब नेगेटिव है और इधर जो भी वो पॉजिटिव है, ऐसे ही ये कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर के इधर जो भी है वो सब पॉजिटिव है और इधर जो भी है वो नेगेटिव है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि लेफ्ट साइड जो है वो आपके क्या बेटा, नेगेटिव होंगे, और राइट साइड क्या होंगे, पॉजिटिव। ये ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन ये रूल ओरिजिनल है, ठीक है। फिर तीसरी बात जो है वो क्या कि हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो हाइट है वो पॉजिटिव है एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब यहां पर ऊपर कौन सी हाइट है, देखो ए बी, तो ए बी जो होगी वो आपकी पॉजिटिव होगी, ठीक है। ऐसी ए डैश बी डैश आपकी क्या होगी बेटा, नेगेटिव, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो है, सर जो भी है 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर वो माइनस में लिखी जाएगी और ये प्लस में लिखी जाएगी, और ए डबल डैश बी डबल डैश क्या लिखी जाएगी, पॉजिटिव जो भी। तो ये मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया, ठीक है बेटा। इस वीडियो को अच्छे से देखो, अब मैं आपको बताऊं, मैं आपको कुछ आगे कुछ बातें बताऊंगा, अगले टॉपिक अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइन कन्वेंशन को, मैं ऐसी बातें बताऊंगा कि आपको साइन रूल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देयर इज नो नीड ऑफ रोटिंग आउट द रूल्स, रूल्स को कभी याद नहीं करना पड़ेगा आपको, वो अगले लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। और ये पूरा लेक्चर ध्यान से देखा उसके लिए बेटा थैंक यू।